लोकेशन एक बार आपको ऐसे दिखा देते लाल कितना मुलायम था, बिल्कुल मुलायम, एकदम मुलायम जैसे गोरी का गाल। अरे वाले यहाँ पे हाथी आ गया था, मस्त मस्त मत आइए यहाँ पे पार्टी वर्टी करी। हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वही बॉर्डर वाला एरिया अभी चालू नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बॉर्डर उधर है। ओके ओके, देखो थोड़ा कहना कहना पर दो डैम का कनेक्शन कर रहा हूं। ओके, इसका पहला है उधर है, तो इडुक्की डैम बनाया है। ओके, मैं कश्मीर गया तो कश्मीर से हो गया प्यार, मैं लद्दाख गया तो लद्दाख से हो गया प्यार, मनाली गया तो मनाली से हो गया प्यार, आंध्रा गया तो आंध्रा से हो गया प्यार, नॉर्थ ईस्ट गया तो नॉर्थ ईस्ट से हो गया प्यार, अभी मैं केरला आया हूँ तो केरला से हो गया प्यार। अरे तो क्या करें यार, प्यार ही तो करते हैं, मतलब बम थोड़ी मारना चाहते हैं, प्यार ही तो करते हैं, हर जगह से प्यार हो जाता है। अपना इंडिया इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊँ। बहुत सारे ट्रैवलर्स अपने इंडिया में आके बोलते हैं कि हमने पूरी दुनिया घूम ली। एक अबरार भाई वाइल्ड लाइफ उनका वीडियो देख रहे थे कि अगर आपको पूरी दुनिया का निचोड़ एक कंट्री में देखना है तो दैट इज इंडिया। तो हम इंडिया से इसलिए प्यार करते हैं, प्यार ही तो करते हैं ना। इधर भी हुआ है। हाँ, कौन सी फिल्म की शूटिंग का? तमिल मूवी है ना। तमिल मूवी पेरान्ने। ओके, ओके, इट्स जस्ट कमिंग बैक। ओके, सो वी आर गोइंग टू आवर लोकेशन वेयर अ मूवी शूटिंग वाज हैपेंड। एक मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई थी, यहाँ पैर यार अन्य पता नहीं, आई फॉरगॉट द नेम, इट्स अ तमिल मूवी एंड वाह, लोकेशन एक बार आपको ऐसे दिखाते। ओ हो 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 हो, मन्नू क्या हम ये देखिए, इट्स अ वेरी नाइस लोकेशन, दिस इज पैर यार मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। दो मिनट सीन को देख के कैसा लग रहा है? इस सीन को देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सीन है, ऐसा गांव वाला फील आ रहा है ना, सुकून, गांव वाला लोकल लोकल फील आ रहा है ना। तो ये जो है, ये जो पानी बिल्कुल साफ होता है यहाँ पे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। दिस इज केरला और हम तमिलनाडु बॉर्डर पे हैं, मतलब थोड़ी देर में तमिलनाडु बॉर्डर आ जाएगा। एंड हमारे कैब वाले वो ड्राइवर भैया जिप्सी वाले वो बोल रहे थे कि तमिलनाडु केरल में बहुत ड्राइवरली चल रही है। ओके, व्हीकल का फोटो एंड गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। हाँ भैया बताओ। इधर का विलेज एरिया कदम उधर का है, 925 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जंगल का एरिया है। ओके, जिसमें अंदर का जाना है, अंदर तक जाना है। ऑलराइट, Thank you.
क्या करें यार, प्यार करते हैं तो करते हैं, प्यार ही करते हैं ना। सही बात कर रहे हो। ऐसे खूबसूरत लोकेशंस हो तो क्या ही बताने यार। मैं बैठ जाता हूँ, नहीं तो वाट लगनी है। ओए होए होए, क्या यार मजा आ गया जिंदगी का यार, कसम से। ऑफ रोड एरिया है, ओके। बड़ा माउंटेन एरिया है, पूरा है जीजू का एरिया है। आपका लक है उधर देखो, बाइसन का ग्रुप है। बाइसन बाइसन क्या होता है हिंदी में, मैं भूल गया। वाइल्ड बफेलो है। अच्छा वाइल्ड बफेलो, हाँ वो दिख रहा है, वो जो तारों के उधर बीच में ना। अभी नीचे जाना है। ओके ओके, अरे वाह, ये तो वहाँ खरीदते हैं यार हम। बहुत अच्छी है। ओह नाइस, ये तो हमने अपने फ्रिज में 6-6 महीने रखे हुए हैं। इसका यूज नहीं है कोडेक्नल में, इसका पूरा यूज नहीं है। मसाज ऑयल, रूम क्लीनिंग ऑयल। यहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं यहाँ तक। फेंसिंग अदर साइड नो, ओके, मतलब हाँ उस फेंसिंग तक जा सकते हैं हम। ओके नाइस, अलाउड नहीं है इधर का, पूरा एंजॉय करो। ओके वेरी नाइस, थैंक यू। तुम्हें उस फेंसिंग तक जाना क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आई। अरे जाना मना है उसके बाद, इसीलिए तो यहाँ तक जाने की चिल मच रही है। शेर है, शेर है। आपने देखा है यहाँ पेशाब करना मना है और वहाँ पे सबसे ज्यादा बदबू आती है ना, क्योंकि इंसान उसको एक ईगो की तरह ले लेता है। अरे इसीलिए देखिए, सामने जो भी फेंसिंग आपको नजर आ रही है, इसके पार ह्यूमंस और उसके पार जानवर अलाउ है। मतलब जानवर यहाँ भी अलाउ है लेकिन ह्यूमंस वहाँ अलाउ नहीं है, विच इज रियली गुड। जानवरों को क्या पता है कि यहाँ आना है कि नहीं आना। मनु उस पहाड़ पे जूम करो जरा, उस पहाड़ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे जो है बाइसन्स जो होते हैं ना, जंगली भैंसे, वो इस टाइम पे चर रहे हैं अपनी मस्ती में। उन्हें नहीं पता कि भैया इंटरनेट होता है, यूट्यूब होता है, जहाँ पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, उन्हें घंटा कुछ नहीं पता। वो बाइनोकुलर लाए हैं भैया। और ये देखिए, हाँ लेमन ग्रास, कहीं भी हमने अपने फ्रिज में 1 साल तक लेमन ग्रास सूखी हुई रखी, कभी डालेंगे कभी इसकी चाय पिएंगे, हाँ। यहाँ फ्री पॉकेट में कहीं भी, जैसे अपने घास उग रही है ना, कोई औकात ही नहीं है, ऐसे लेमन घास उग रही है। वेरी नाइस। और ये भैया हमारे बायनोकुलर्स लेके आ गए, दूरबीन जिससे हम देख सकते हैं। बाइसन्स की चराई चल रही है, बहुत सारे हैं। तो और तो कुछ नींद के अलावा मुझे भी दिखाओ। हाँ ये ले, वहां पहले देख ले फिर उधर ही करना। दिख रहे हैं मन्नू बाइसन्स? हाँ।
मुझे साफ नहीं दिख रहे, पर थोड़ा स्टिल करो तो साफ भी दिखेंगे। कहाँ है पहले मुझे ये तो, वो देखो वो रहे सामने तो दिख रहे हैं यार, है ना, पूरा झुंडी है। हाँ पूरा झुंड है ये बाइसंस का यहाँ पे, और इधर ये बोर्ड है नो एंट्री का, इसके पार नहीं जा सकते हम लोग, इधर भी जा सकते हैं। हाँ चलिए थैंक यू भैया, इधर भी हम पैदल जा सकते हैं। चलो मन्नू आगे तुम चलो, सुधराएंगे छूटियो चला गया। अब मेरे को तो मन कर रहा है यार, जो लेमन ग्रास उग रही है ना इसको पूरा चबा जाऊँ मैं, क्योंकि बड़ी महंगी मिलती है अपने यहाँ यार, मेरे को कहीं भी उग रही है। हाँ तो ले लो। सुनो इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इसीलिए तो मैंने मंगवाई थी, उसमें साला खुशबू ही नहीं है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई है। ऑनलाइन तूने मंगवाई है? अरे बिग बास्केट से मंगवाई थी। बताओ हम कितने गरीब लोग हैं यार, हम इन चीज़ों को जो ये जिसकी साला यहाँ औकात नहीं है भैंस की डांग, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और यहाँ से वो कहता है ऑनलाइन ऑर्डर आ गया गगन दे दियो। गगन ये क्या होता है, ले चलते हैं। हाँ। इसको क्या होता है रात को होटल में चाय बना के पियेंगे, इतने सारे होटल्स में अपन ने एक चाय वाला वो तो एक पैकेट तो डुबो के पिया नहीं है। ये पीऊंगी ना, मेरे को रात को चाहिए होगा आज तो। ओह नाइस, पता नहीं काहे का पेड़ भैया। ओके मनु चले गया, पर इसकी लाल छाल है और देखो कितना मुलायम सा पेड़, बिल्कुल मुलायम, एकदम मुलायम जैसे गोरी का गाल। और इधर ये देखो हमारी ये मुलायम गली है, यहाँ झुलसा गई है। मैंने लेमन ग्रास डाल लिया बहुत सारा तो करके। रात को चाय पीऊंगी लेमन ग्रास की। चलो हमारी एयरपोर्ट पे चेकिंग होगी, अब कहेंगे ये क्या है पत्ते, एयरपोर्ट पे जा ही नहीं रहे हम तो। आए थे सुनो ग्रास, सुनो अब हम इतने गंदे रूट से आए ना, ऑफ रोडिंग क्या होती है आज पता चला है मुझे आज। हेलो सर, कम आऊं क्या मैं? नहीं नहीं भैया, ये हमारे वहाँ पे 150 रुपीस की मिलती है 100 ग्राम और यहाँ कोई इसकी वही नहीं। हाँ मतलब ये घास हमने एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करी है, उसको एक साल तक स्टोर किया अपने फ्रिज में। फोक्स यहाँ पे फैंस टूटी हुई है, इस फैंस को तोड़ के आज सुबह सुबह ने भैया इसे दूसरी सवारी को यहाँ पे लेके आए थे ये देखो, और फिर यहाँ से वापस लौट गया वो है, क्या डर गया क्या यहाँ पे लोग देख के? अभी तो दुकान है, छोटा दुकान में पूरा फिनिश कर दिया उसने सामान, एक ओमनी है उसने हाथी ने खत्म कर दिया। हाँ उसके ओमनी के अंदर था अड़ा सब मेरा है और हमारे पर कोई कानून लागू नहीं होता। जंगल का कानून जिंदा हुआ फिर आएगा, फिर अगर उसको एक बार लत लग गई तो। सही है यार, सब देखो खाने के लिए ही भटक रहे हैं, हम खाने के लिए कमा रहे हैं वो डायरेक्ट खाने के लिए, हम खाने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं हम कुछ और कर रहे हैं, वो डायरेक्ट खाने के लिए, उनकी रेस में सिर्फ डायरेक्ट खाना है। इसके नीचे कुछ होता है, नेचुरल टैटू, इसके नीचे कुछ लगा होता है। ओह वेरी नाइस।
लीफ के पीछे एक पाउडर है, चना पाउडर। हाँ, लीफ के पीछे एक पाउडर है इसके, वो हमें डेटा है। ये नेचुरल टैटू का लुक, ब्यूटीफुल। आई आल्सो हैव वन। ये तो देखते ही आ रहे हैं, रास्ते भर से देखते आ रहे हैं। स्टेशन है कि मैं आई एम इन केरला ब्रो, एंडे परिगा करनी है रेडी सेटल आर जाने पच्चे उत्तल आर वाला संतोषम दिस इज मलयालम एंड आई कैन नॉट रिकॉर्ड एनी वॉइस ओवर और एनी एसआरटी एनी डबिंग बिकॉज़ आई एम 3 meters ऑफ द स्काई मैन। आहा, ये केरला यार प्यार हो गया इस जगह से। पहले मैं लद्दाख गया थार से, हमारे एक दोस्त है उन्होंने थार खरीदी तो हम लद्दाख गए। उसका मुझे ना ये जगह तो बाइक से आने वाली है, भैंस की डाय अभी 2023 में ही मैं लद्दाख गया बाइक से और कसम से मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी से तो मज़ा ही नहीं आया। अब भाई गाड़ी से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, घूम से याद आई ये बहुत लंबा टर्न है। ओके हम घूम गए, बात कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे लग रहा है पता कि इस जगह तो बाइक लेके आनी चाहिए और कसम से यार अगले साल कसम से तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, पता नहीं मुझे आने दिया जाएगा अभी मेरी बीवी बेटी मुझे आने दिया जाएगी नहीं, लेकिन अगले साल मैं बाइक से ज़रूर यहाँ पे आने वाला हूँ। शेयर है ना केरला। ठीक है।